न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है हमारा खास प्रोग्राम में आपका, जिसका नाम है एकदम सीधी बात, जिसमें बहुत सारे ऐसे खास मेहमानों से हम चर्चा करते हैं जिन्होंने बड़ी उपलब्धि हासिल की हो या फिर वो दमदार नेता रहे हों। और आज इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद है कैलाश सोनी जी, पूर्व राज्यसभा सांसद हैं और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम है, और साथ ही साथ कोरोना काल में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों की मदद की थी और साथ ही अपने इलाके का भी, अपने क्षेत्र का भी लगातार दौरा करते हैं, हर संभव मदद पहुंचाने का वादा और दावा भी करते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। नमस्कार कैलाश सोनी जी, सबसे पहले तो अभी के सबसे गर्म मुद्दे पर बात करते हैं। अभी का सबसे बड़ा मुद्दा है महिलाओं की सुरक्षा। सरकार दावे वादे बहुत सारे करती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या कुछ हो रहा है ये ना तो मुझसे छिपा है और ना आपसे छिपा है। ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। हमारी हिंदुस्तानी समाज जीवन में हमारे पुरखों ने, हमारी सांस्कृतिक विरासत में बचपन से पैदा होने के बाद जो हमें संस्कार दिए माँ बेटी के, बहन के, इनके ऊपर अभी जो आपका टीवी के माध्यम से जो पूर्ण फिल्में हैं उनके माध्यम से हमारे दिल दिमाग में जो रिश्ते, पवित्र रिश्ते थे, उनको धूल धूसरित करने का काम किया जा रहा है। और पार्लियामेंट में भी हमने ये पूर्ण फिल्मों के ऊपर सख्त कार्रवाई करने के लिए सवाल लगाए तीन बार। हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया जी ने सरकार को निर्देशित किया कि इस पे भारी चर्चा हो चुकी है लेकिन इस पे सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। मैंने केरल के एक इंसिडेंट का हवाला दिया कि एक सगे भाई ने पूर्ण फिल्म देख करके अपनी सगी बहन के साथ वारदात की। अभी जिस तरह का हमारे समाज में ये परोसा जा रहा है, नंबर एक तो इस पे बहुत कंट्रोल करने की जरूरत है जी। नंबर दो, पॉलिटिकल सिनेरियो में सारे टोटल पॉलिटिकल सर्किल को इसकी चिंता करने की जरूरत है। यदि नहीं की तो हमारा घर भी सुरक्षित नहीं है। हमें इसमें पार्शियल होने की जरूरत है। ऐसी घटनाओं में हमारा कोई पक्ष नहीं, दोषी व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सरकारों की तरफ से इस पे समय समय पे जो कानून बनाए जा रहे हैं, फांसी तक की सजा, ये सारे प्रावधान हो रहे हैं लेकिन परिणाम जो कुछ जगह देखने आ रहे हैं, जैसे अभी अपने हिंदुस्तान में दो घटनाएं हुई, एक हुई आपके कैलकटा में जी। और एक हुई बदलापुर में। इसमें बेसिक अंतर है, कलकत्ता की घटना में जिस तरह की पक्षपातपूर्ण इनेक्टमेंट सरकार की रही इसको पूरे हिंदुस्तान ने देखा, और दूसरी तरफ घटना हो सकती है लेकिन सरकार की कार्रवाई संवेदनशील, ईमानदारी से दोषी के खिलाफ जिस गंभीरता का परिचय देना चाहिए इसकी आवश्यकता है। तो सर कैलाश जी, कितना इंतजार हमें और करना पड़ेगा, क्योंकि एक महिला होने के नाते मैं भी ये सवाल करती हूँ कि ऐसा कौन सा दिन आएगा जब हम पूरी तरह खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। सरकार पर पूरा विश्वास है, इसी विश्वास से लगातार 10 सालों से आपकी सरकार है, अब तीसरा कार्यकाल मिला है। देखिए अब बन तो ये आपका जो कहना है इसमें लॉ एंड ऑर्डर और इन मामलों के ऊपर संज्ञान लेने का अधिकार जी प्रांतीय सरकारों को है, नंबर एक। नंबर दो, हमने जो कहा कि इसमें साइमल्टेनियसली समानांतर दो प्रयास की आवश्यकता है, एक तो सरकार के स्तर पे और एक सामाजिक स्तर पे। हम आपको ये जनता की तरफ से जो अभी चित्र सामने आया है जी, इससे हम बहुत आसान भी थे
के कलकत्ता में और नहीं पूरे देश में जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ घटना हुई उसमें जो जागरूकता का परिचय पूरे हिंदुस्तान ने दिया, ये शुभ का प्रतीक है, हल इसमें से निकलने वाला है। लेकिन इससे कौन कितना क्या सबक लेता है और इसमें आप लोगों की भूमिका भी बहुत गुरुतर भूमिका है जी। आप लोगों ने ये सारे मीडिया के लोगों को हम साधुवाद देना चाहते हैं, जिस संवेदना के साथ, जिस गंभीरता के साथ मीडिया ने इस मसले को उठाया और पूरे हिंदुस्तान के आम लोगों ने, चेतनाशील लोगों ने जिस तरह का इस मामले को अपने संज्ञान में लिया है, वो दिन दूर नहीं। हम आपको कहना चाहते हैं कि अब इस मामले पे ये रोक लगने वाली है, लगेगी। बिल्कुल, यही उम्मीद सरकार से हमें है और विश्वास है कि जरूर एक दिन ऐसा कानून आएगा कि इस तरह का एक भी मामला हमें देश में नजर नहीं आएगा। ठीक है, ये तो हो गई महिला सुरक्षा की बात कैलाश जी, लेकिन जम्मू कश्मीर बहुत महत्वपूर्ण, आपकी सरकार ने बड़ा फैसला लिया, 370 हटाया, लेकिन अब वहां पर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 370 धारा हटने के बाद कितने बदलाव हुए और क्या चुनाव में भाजपा कश्मीरियों का भरोसा जीत पाएगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, 370 हिंदुस्तान के आत्मा का सवाल था, 370 इस देश के स्वाभिमान का सवाल था, ये हमारी अस्मिता का सवाल था कि ये हमारा अनिवार्य भाग है, ये हमारा अनिवार्य अंग है और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी को। हम हिंदुस्तान को कोई जमीन का टुकड़ा नहीं मानते, हम हिंदुस्तान को जीवित जागृत राष्ट्र पुरुष मानते हैं। और इसका प्रमाण है कि बंटवारे के समय जब कच्च को देने की बात आई तो हिंदुस्तान के केवल एक दल ने कहा कि कच्च की धरती देश की धरती, देश की धरती कच्च की धरती। 370 में भी आपको बता दें कि अपना जो स्वतंत्रता का मूवमेंट है उसका यदि आप सिंहावलोकन करेंगे तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते, तो जो वर्तमान बंगाल हमारे पास है ये भी नहीं रहता। प्रातस्मरणी पूज्य महात्मा गांधी जी ने आखिरी वायसराय के बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आर्गुमेंट करने के लिए भेजा और उनने जो सत्य आर्गुमेंट किया इसके कारण वर्तमान बंगाल आज हमारे पास है। नहीं तो डायरेक्ट एक्शन में कलकत्ता में क्या हुआ। इसी तरह से कांग्रेस का कोई माने योजना ही नहीं के नक्सलाइट पे हम क्या करेंगे, कश्मीर पे हम क्या करेंगे। कश्मीर में खुलेआम वहां के सेक्रेटरिएट में हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की जाती, पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता है और इस बात को स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय दबाया गया, पत्रकार के कैमरे छीने गए और धीरे धीरे यह हाल हुआ कि कश्मीर के जिले बड़े बड़े आतंकवादी कमांडरों के पास बढ़ गए और वहां का आम आदमी वो बाहर सोता था, आतंकवादी उसके घर में सोते थे, घर का मालिक मुर्गा पकाता था, बैंकों में भी कोई दिक्कत हो गई तो बैंक लूट लो। कश्मीर के ये हालत थे। आज कश्मीर में आम जनता इस बात को समझ चुकी है और पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो अपने अपने स्वतंत्र कश्मीर के जो हालात हैं उसके आधार पर कश्मीर का आदमी पूरी तरह से समझ गया है। अभी पाकिस्तान की तरफ से ये प्राथमिक बार है, ये सीधी युद्ध चल रहा है, सीधी हमारी लड़ाई कश्मीर के लोगों से नहीं, पाकिस्तान के। अभी जितनी भी घटनाएं हुई ये पाकिस्तान प्रायोजित है। आपने जो हत्या कैलाश सोनी जी, आपने उनमें जो साधन देखे, हाँ। आज वहाँ के आम जनता में एक आत्मविश्वास जगा है, हिंदुस्तान का नहीं दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज जी, और आज जिस तरह की तरक्की वहाँ हो रही है, आप बोलिए कि क्या हालात थे कश्मीर के, कैलाश सोनी जी, कैलाश सोनी जी, इन पांच सालों में 370 हटने के बाद इन पांच सालों में क्या लगता है जो बदलाव वहां सरकार बता रही है लेकिन विपक्ष कुछ और बताता है
और साथ ही साथ वहां के जो लोग हैं, देखिए महत्वपूर्ण ये है कि वहां की जनता कितनी शांत और अब कितना अमन चैन से रह रही है, महत्वपूर्ण ये है। क्या लग रहा है आपको कि 370 हटने के बाद जनता में बदलाव आया है? क्योंकि जब बात कश्मीर की आती है तो वहां के लोग कश्मीरियत का जिक्र करते हैं कि कश्मीरियत उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, इसका सीधा प्रमाण है जी कि वहां जो पर्यटकों की संख्या बढ़ी है 370 हटने के बाद, और वहां के नागरिकों में जो कॉन्फिडेंस आया है, आप देख रही होंगी कि कहीं कोई पत्थरबाजी की घटना नहीं है, और जिस तरह के कानूनों में बदलाव है, वहां रोजगारों के जो अवसर सृजित किए गए पिछले दिनों में उससे, और मेडिकल कॉलेज खोले गए, एम्स खोले गए, वहां रोजगार के लिए अभी बहुत से लोगों का निवेश जो है आकर्षित हो रहा है। आप साल दो साल में और देखेंगे कि कश्मीर कहां से कहां पहुंचता है। आपको मालूम है वहां के हालात क्या थे, कि वहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश लागू नहीं होते थे, वहां दो झंडे लगते थे, एक हमारा एक कश्मीर का। आपको मालूम वहां हमें परमिट लगता था जाने के लिए, वहां पर दो प्रधानमंत्री हुआ करते थे हिंदुस्तान के। इन सारी चीजों से हमने निजात पाया और आम जनता में तो चेतना पैदा हो चुकी है, और यह चुनाव आतंकवाद के ताबूत में और पाकिस्तान की इच्छाओं के ऊपर आखिरी कील ठोकेगा यह चुनाव। ठीक है कैलाश जी, जब से ये लोकसभा चुनाव हुआ और जब से रिजल्ट आया है, तब से विपक्ष अपने आप को मजबूत विपक्ष के तौर पर दे रहा है, और जातिगत जनगणना इस लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने भरपूर इसे मुद्दा बनाया, और अब भी विपक्ष इस पर अड़ा हुआ है। भाजपा कितनी सक्रिय है इसको लेकर? क्या भाजपा आने वाले समय में जातिगत जनगणना करवाएगी? सबसे अहम सवाल आम लोगों का भी है, क्या भाजपा ऐसा करने जा रही है? देखिए, मेरी व्यक्तिगत अवधारणा है जी कि जातिगत जनगणना, जातिगत गणना का जो इशू है ये टोटल पॉलिटिकल इशू है, और ये इशू केवल हिंदुस्तानियों को बांटने के लिए अपोजिशन की तरफ से गढ़ा जा रहा है। आपको याद हम कराना चाहते हैं कि कोई जमाने में कांग्रेस की तरफ से ये नारा लगाया जाता था, जात पर न बात पर जी बिल्कुल लगेगी हाथ पर बिल्कुल। अब क्या हो गया कि हम कराते रहेंगे इन्हें, केवल आपने देखा अभी कि वो अपने महिलाओं का जो प्रतियोगिता होती है मिस इंडिया की, उसमें भी हम जातिगत देखना चाहते हैं। कौन बताएगा कि साहब ये भारत सरकार नहीं कराती? इनका केवल पॉलिटिकल एम है कि हिंदुस्तानियों को बांटो, विशेषकर भारतीयों को बांटो, और इसमें से हम वोट पा जाएं। बांट करके जो अंग्रेजों की जो मानसिकता थी वही मानसिकता अपोजिशन की है, इसमें हिंदुस्तान की या किसी जाति विशेष की लोक कल्याण की भावना हमें परिलक्षित नहीं होती। कैलाश सोनी जी, कुछ ऐसे फैसले हैं जो सरकार ने वापस लिए हैं, चाहे वो तीन कृषि कानून ही क्यों ना हो, तो जातिगत जनगणना को लेकर क्या, क्योंकि आम जनता भी अब सवाल पूछ रही है, तो क्या सरकार आने वाले समय में झुक सकती है इसको लेकर? देखिए, अभी जो जिस तरह से कोई होंगे कोई चीज टेम्परेरीली एक्सीडेंटल कोई इश्यूज लोगों के दिमाग पे आ जाते हैं जी, लेकिन पूरे समय पूरे लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। जनता अपने हितों को समझती है। अभी आप पिछले ही चुनाव में देख लें कि 9 साल के बाद लगातार जिस तरह का परिणाम आया है, विपक्ष लोकतंत्र में मजबूत होना ही चाहिए। लोकतंत्र में यदि विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो सरकार को मार्गदर्शन कैसे मिलेगा? और दूसरा, ये पॉजिटिव जो लोकतंत्र है, जो सफल लोकतंत्र है, उसमें लेकिन हमारी अपेक्षा है रिस्क
रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन। आपने देखा अपोजिशन का रोल भी हमने प्ले करके बताया, इतिहास साक्षी है। जब चीन का युद्ध हुआ, जब पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो उस समय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का एलिटमेंट क्या था? BR1। आपने देखा होगा कि अपोजिशन को कोई चीज तो अच्छी लगती होगी कि ऊर्जा की आपूर्ति, सड़क के निर्माण, आपने प्रधानमंत्री आवास, पेयजल की आपूर्ति, हमारे आम जन सरोकारों के जो मुद्दे हैं, कहीं पॉजिटिव नहीं है अपोजिशन। और इस तरह की नकारात्मक भूमिका को भी देश जानता है और देश समझेगा, क्योंकि हमारा लोकतंत्र अब 1950 का लोकतंत्र नहीं है। हमारा लोकतंत्र वयस्क नहीं, प्रौढ़ हो चुका है। 75 साल से हम वोट डाल रहे हैं। नेताओं को, बुद्धिजीवियों को ये वहम नहीं होना चाहिए, जनता उनसे आगे सोचती है और ठीक निर्णय करती है। ठीक है कैलाश जी, ये तो बात हो गई जातिगत जनगणना, जम्मू कश्मीर, महिला अपराध, बुलडोजर कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे आप? बुलडोजर कार्रवाई कानून किस किताब में है, और अगर हर फैसला बुलडोजर से आप करना चाहते हैं तो अदालतों की जरूरत क्यों है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी हमने देखा था कि बुलडोजर खूब गरजा है। देखिए, बुलडोजर जो है जी, आम जनता की जो पाशविक मनोवृत्ति है, हमारी व्यक्तिगत राय है कि आम जनता तो ये चाहती है कि चौराहे पे ऐसे दुष्कृत्य करने वालों को न केवल बुलडोजर बल्कि और कोई सब सेक्टर ये भी हो सकता है तो वो किया जाए, लेकिन डेमोक्रेटिक नास में जो जनतांत्रिक मानदंड है उनमें सबसे हाई लेवल का इलेक्शन चाहिए, बल्कि और प्रांत कह रहे हैं कि हमें योगी मॉडल चाहिए। और आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान भर के अन्य प्रांतों में भी लोग इसको एडॉप्ट कर रहे हैं, और उसका एक कारण और है यूपी में। ये कब लागू होता, जो आपने कहा कि ये कानून का उल्लंघन इस सीमा तक किया गया कि उनके पास कोई कागज नहीं, सरकारी जमीन, प्राइवेट जमीन, लोकमार्ग, सीधा भाव का राज्य बना लो बिल्डिंग, लोकमार्ग पे कोई भी अवरोध, कोई भी शख्स यदि करता है तो विदाउट एनी नोटिस, कानून में ये प्रावधान है कि उसको तत्काल हटाया जाए, आदमी को नोटिस देने की जरूरत नहीं, किसी के पास कोई कागज है ही नहीं, और इसके बाद उसमें आप रहकर के इस तरह के अपराध करो तो समाज में भय कैसे पैदा हो। इसके लिए ना चाहते हुए भी इसको जनता का सैंक्शन है, इसको जनता की मान्यता है, इसको लोग ठीक मांग रहे हैं, और इससे बाकी के लोग भी नियंत्रित होते हैं। हर जगह अप्लाई नहीं होना चाहिए, लेकिन जहां मजबूरी हो आप कैसे पशुता पे कंट्रोल करेंगे जी? जिस तरह के इनएक्सपेंस में रहने वाले लोग कर रहे हैं, उनके काम तो देखिए कि कैसे 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 जघन्य अपराध, राष्ट्रद्रोही अपराध फेरा कानूनों में शामिल है, 50-50 मुकदमे कायम है। क्या करें ऐसे लोगों के खिलाफ? 1500, 300, 700 एकड़ जमीनों पर कब्जा, सीधा भाप का राज बनाया, और पॉलिटिकल सेंटर इनके लिए, राजनीतिक संरक्षण में ये अपराध हुआ है। इनको कोई टाइटल नहीं है, इनको कोई अधिकार सृजित नहीं हुआ है, इनने अपराध तो आपके हिसाब से है। आपके हिसाब से जो बुलडोजर नीति है वो सही है कुछ मामलों में? अभी वर्तमान में जो इलीगल लोगों ने निर्माण किए, जो सीधे लोकमार्गों पर निर्माण कर लिए हैं, उसमें वो कानूनी प्रावधान है, कोई भी आदमी करे तो उसको तत्काल अपराधी, कोई अपराधी है उसके घर पर अगर बुलडोजर चल रहा है, मैं उस हिसाब से पूछ रही हूँ। हम ये पूछ रहे हैं कि आखिर इस पशुता को, जो आपने पहले महिला अपराधों की बात की जी, आपने देश के खिलाफ जो इस तरह का
माने अपराध कर रहे हैं, राष्ट्रद्रोही गतिविधियों में संलग्न है, इनके खिलाफ क्या किया जाए? बिल्कुल एक्शन सही है, लेकिन कैलाश जी देखिए बात मेरी नहीं है, बात मेरे जैसे और लोगों की भी है जो सवाल उठाते हैं कि हाँ बिल्कुल आप एक्शन लीजिए ऐसे अपराधियों पर, लेकिन कई बार क्या होता है ना कैलाश जी कि इसमें भी कहीं ना कहीं धर्म और जात देख ली जाती है, तो वो नहीं होना चाहिए। देखिए आप उत्तर प्रदेश में दुबे के खिलाफ भी वही है माने कार्रवाई होती है और अतीक के साथ भी वही कार्रवाई होती है, अब इसमें निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है, हमारे लोगों के खिलाफ भी यदि सार्वजनिक स्थानों पर उन्होंने किया है तो उसमें तोड़फोड़ के उदाहरण आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन बहुता है कुछ जाति विशेष के लोग इनको उसमें इनका धंधा करते हैं, कब्जा करते हैं, बनाते हैं और बेचते हैं, एक एक नहीं उनके साथ साथ मकान बने हैं, ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए? आज जल भराव की समस्या है, आज लोकमार्गों की समस्या है, क्या करोगे आप? इस पे आपको बहुत तेज फास्ट इनेक्शन की आवश्यकता है। चलिए ठीक है, ठीक है कैलाश सोनी जी, ज्यादा हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते। कैलाश सोनी जी, व्यापम घोटाला, ना जाने क्यों जब जब मध्य प्रदेश का जिक्र होता है व्यापम घोटाला याद आ जाता है, क्यों? ये जो व्यापम घोटाले का दाग है वो कब मिटेगा, कैसे मिटेगा, इस पर भी मैं चाहूंगी कि आप जरूर अपनी टिप्पणी करिए। हमारा ये कहना है कि ये मामला सब जुडिस है, ये कोर्ट में है ये मामला, इसलिए इस पे ज्यादा हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए, कोर्ट जो फाइनल करे। हमारा ये कहना है कि कोई भी घोटाला उस पे डेमोक्रेसी है इस देश में, कोर्ट को अधिकार है संज्ञान लेने का और कोर्ट संज्ञान भी ले रही। अभी आपने कलकत्ता के मामले में देखा होगा कि हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया तब कोई हल निकला, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया तो वहां कार्रवाई हो रही है, नहीं तो बंगाल की हालत क्या है? आज चुनाव के बाद 150 आदमी मार दिया जाता है, सीधा कब्जा कर लिया जाता है कार्यालयों, ये डेमोक्रेसी है? किस तरह से प्रोत्साहित करते हैं हम अवैध कामों के लिए? और ये ही करते हैं, जनता वैसे ही हिंदुस्तान भर की सड़कों पर नहीं निकली है, उन्हें उस सरकार के एक पेंट पे विश्वास नहीं है। देखिए अराजकता जब होती है जब सरकार के कामों पे लोगों का विश्वास समाप्त हो जाता है, जब लोगों को कोर्ट का भी रास्ता जो है बंद दिखाई देता है तब लोग सड़कों पे निकलते। कैलाश सोनी जी ठीक है, घोटाले पे मामला कोर्ट में है, चलिए इस पर ज्यादा कार्रवाई कुछ लोगों के खिलाफ कुछ हुआ भी है दंड। ठीक है, महंगाई को लेकर क्या कहेंगे आप? बहुत विश्वास था कि जब एनडीए की सरकार का गठन होगा, एनडीए की सरकार रूलिंग पार्टी बनेगी, रूल करेगी तो महंगाई कम होगी, जनता पर बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, ये सवाल बहुत सारे लोगों का है सरकार से, तो इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि महंगाई कब खत्म होगी, रोजगार का वादा किया गया था उस रोजगार को लेकर आगे क्या प्लानिंग है? देखिए मैं ये नहीं कह रही कि सरकार ने काम नहीं किए, सरकार ने बहुत काम किए, इसी वजह से तीसरी बार सत्ता में है, लेकिन कुछ वादे ऐसे थे जो अभी भी अधूरे हैं, वो वादे क्या इस कार्यकाल में पूरे किए जाएंगे या फिर उसके लिए हमें इंतजार करना होगा? देखिए महंगाई पे थोड़े दुनिया भर की जो महंगाई है थोड़े अपने पाकिस्तान में अपन झांक लें कि पेट्रोल के क्या दाम है जी, आटे के क्या दाम है, दाल के क्या दाम है, सब्जियों के क्या दाम है। हमारा ये कहना है कि इतने ताकत के साथ इतने त्वरित गति से कम आयात करना चाहिए, कम निर्यात करना चाहिए, इसके कारण महंगाई को थाम के रखी है वर्तमान सरकार ने। कोई भी आ जाए सरकार में आएंगी जाएंगी, लेकिन जिस तेजी के साथ हमारे केंद्रीय सरकार ने आयात निर्यात के माध्यम से जो कंट्रोल किया है, एक तरफ तो आप किसानों को प्रोत्साहित करते किसानों को आंदोलन करने के लिए, और किस तरह के आंदोलन लोगों ने कराए हैं ये देश ने देखा है। हमारा ये कहना 200 साल के जितने भी संघर्ष थे किसानों के लिए उन सब की प्रतिपूर्ति, सबसे बड़ा दर्द था किसानों का कि उनकी जिंसों के दाम ठीक मिले, यदि किसानों को उनकी जिंसों के दाम मिलेंगे तो उपभोक्ता को भी उसकी कीमत देना पड़ेगी। और दूसरा ये
कि महंगाई के मामले में जरा आप थोड़े दुनिया के इंडेक्स देखें, उनके सूचकांक महंगाई के अपने पूरे दुनिया में महंगाई किस लेवल की है और हमारे हिंदुस्तान में किस लेवल की है। आपको बता दें कि आज अपन अनाज तो छोड़ दो, अनाज कितने सालों से हम नियमित रूप से इस देश की 50-60-70 करोड़ लोगों की आबादी को हम अनाज निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं कोविड के बाद से। इसके अलावा दलहन के मामले में आज हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, केवल तेल अभी हमें बाहर से बुलाना पड़ रहा है और उसके लिए भी आपको हम बता दें, अपोजिशन से भी हम चाहते हैं इसका जवाब दे। तिलहन के लिए भी पॉलिसी गवर्नमेंट की भारत सरकार की ये है कि हमारे तिली के ऊपर के लिए 805 रुपया प्रति क्विंटल ये समर्थन मूल्य केंद्र सरकार ने बढ़ाया है। वो दिन दूर नहीं है कि अपन तिलहन के मामले में, तेल के मामले में भी आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर के मामले में ये सबने गलत इशू उठा करके दो जो किसानों की कमर में पक्का टेका लगाते, ऐसे कानून वापस मजबूरी में लेना पड़े। यदि ये कानून लागू हो जाते तो हमारे किसानों की निश्चित रूप से हम आय दुगनी होते हुए देख रहे होते, लेकिन अब जनमत के सामने झुकना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। कैलाश सोनी जी, इसके अलावा बांग्लादेश पर आप क्या कहेंगे? बांग्लादेश में जो हिंदुओं के हालात बने हुए हैं उसको लेकर क्या कहेंगे आप? सरकार इस पर क्या बेहतर कदम उठा रही है, क्या उठाया है और आगे क्या उठा सकती है? मैडम, ये केवल बांग्लादेश का मामला है, ये सारी दुनिया का मामला है जी। कट्टरवाद जो है ये तह में है इस घटना की। आज कभी हमारे ऊपर रूल किया और डेमोक्रेसी का बड़ा दम भरते थे, ब्रिटेन के लोगों का क्या हाल है, वहां आग लगी है। आज दुनिया का कौन सा मुल्क है, फ्रांस हो, चाकूबाजी की घटना है। हमारा धर्म श्रेष्ठ है, इसमें भी हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन दूसरे धर्म के लोगों को खत्म कर दो, आतंकवादी होना ही चाहिए। हमारा हमारे धर्म के अलावा और कोई धर्म के लोगों को जीने का हक नहीं है। ये लड़ाई है बांग्लादेश की, इसकी बुनियाद में ये अतिवाद है, इसकी बुनियाद में ये कठमूल्यों की लड़ाई है और इससे हमें नहीं सारी दुनिया को जूझना पड़ रहा है। और सारे जो डेमोक्रेसी के प्रति आस्था रखते हैं, जो धर्म निरपेक्षता के प्रति आस्था रखते हैं, इन सारे मुल्कों को एक दिन आएगा कि जो बांग्लादेश की मानसिकता है इससे हमें लड़ना पड़ेगा। चलिए ठीक है, कैलाश सोनी जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के बेबाकी से आपने जवाब दिए, बहुत शुक्रिया इस साक्षात्कार में उपस्थित रहने के लिए। तो कैलाश सोनी जी हमारे साथ जुड़े, पूर्व राज्यसभा सांसद हैं और बहुत ही बेबाकी से उन्होंने जवाब दिए हैं जो भी अभी जो मुद्दे चल रहे हैं, चाहे वो कोलकाता का हो, चाहे वो बांग्लादेश का हो, महंगाई का हो, जम्मू कश्मीर का हो, हर एक मुद्दे पर वो पॉइंट टू पॉइंट अपने जवाब रखते हुए नजर आए हैं। तो आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही, फिर लौटेंगे एकदम सीधी बात में किसी और मेहमान के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।